मध्य प्रदेश में बीते 18 वर्षों से काबिज भाजपा सरकार के कार्यकाल में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अतिथि विद्वानों ने सरकार के खिलाफ बिगुल बजा उनकी लंबित मांगे पूरी नहीं किए जाने की सूरत में चुनावी वर्ष में सबक सिखाने का मन बना लिया है, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी बात रखी। सागर में भी प्रांतीय आह्वान पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संगठन से जुड़े पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने सीधे तौर पर शिवराज सरकार पर निशाना साधा और उनकी हितों से लंबित मांगों पर सरकार की बेरुखी वाले रवैया पर जमकर आक्रोश जाहिर करते हुए सरकार से वादा निभाओ, अतिथि विद्वानों को नियमित कराओ की मांग मुखर करते हुए चुनाव के पूर्व सकारात्मक रुख सामने नहीं आने पर आंदोलन का इरादा भी जाहिर किया। आयोजित वार्ता के दौरान महिला अतिथि विद्वानों ने अब तक उनकी मांग के निराकरण को लेकर किए गए प्रदर्शन के बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगने पर जमकर आक्रोश देखा गया और उन्होंने भी वार्ता के माध्यम से शोषित व्यवस्था वाली सेवा देने पर अपनी वेदना जाहिर करते हुए खूब खरी खोटी भी सरकार को सुनाई और एक हफ्ते के भीतर मांग पूरी नहीं होने पर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया। चुनावी वर्ष में जहां शिवराज सरकार हर वर्ग को साधने में लगी है और कुछ ना कुछ लॉलीपॉप थमा उनके हितैषी होने का दम भर रही है, अगर जल्द अतिथि विद्वानों के लिए भी कोई सौगात नहीं मिली तो उसके लिए मुसीबत का सबब साबित होगा। इसका असर चुनावी नतीजे भी प्रभावित कर सकता है। बहरहाल अतिथि विद्वानों की हुंकार के बाद सरकार क्या कदम उठाती है देखना लाजमी होगा। अगर हमारे विद्यार्थी युवा हमारे साथ में खड़े हो गए तो इनको जगह नहीं मिलेगी मध्य प्रदेश में छुपने के लिए, अगर हमसे झूठा वादा किए हैं, नहीं तो जो लिखा है रघुपुर जी सदा चल जाए प्राण जाए पर बचने जाए। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करे पूरी भाजपा पार्टी, जो कहते थे वो करके दिखाते थे कि मैं सत्ता के लिए ऐसे सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। आज उनकी विपरीत जा रहा है, आज भाजपा में देखिए खुद सागर में आपके विद्रोह मचा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। वो बद्दुआ अति विद्वानों की बद्दुआ सबको लगेगी। और इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए कि छिंदवाड़ा से पैदल यात्रा हम लोग 500-600 किलोमीटर भोपाल की, हाँ अगर सरकार हमारी एक हफ्ते के अंदर मांग नहीं मानती, ये कोट करिएगा, अगर सरकार हमारी एक हफ्ते के अंदर मांग नहीं मानती तो हम पुनः धरना देंगे भोपाल में, इस बार उठेंगे नहीं। और नौ अगस्त 10 अगस्त 2nd वीक जुलाई के हम आंदोलन भी भोपाल में कर रहे हैं। ये मैं घोषणा कर रहा हूँ सागर से कि 2nd वीक में आंदोलन हमारा फिर भोपाल में होगा। इस बार का आंदोलन शिवराज सिंह चौहान जी भी जानते हैं और कमलनाथ जी भी जानते हैं कि अगर अति विद्वान पुनः सड़क उतरे तो फिर वो उठते नहीं हैं। इनको सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। करना सके जो जन कल्याण उस नर से अच्छा पाषाण, आप जनता के कल्याण के लिए लोगों ने आपको चुना है। और महोदय आज आप बताइए कि मैं 12 जनवरी से सेवा से बाहर हूँ, हमारे 2 बच्चे हैं, बड़ा वाला बेटा 12th क्लास में आ गया जिसकी मैंने पढ़ाई फीस अभी नहीं भर पा रहा हूँ और उसको मैंने पटकुई स्थित फैक्ट्री में काम के लिए लगा रखा है, कागज फैक्ट्री के लिए। महोदय मुझे अति शीघ्र वर्तमान में हमारी सूची जारी होना थी 7 तारीख को, लेकिन इतनी अफसरशाही और इतनी तानाशाही जो है हमारे मध्य प्रदेश में व्याप्त है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमें अफसरों के द्वारा हमने जो चॉइस फिलिंग की है उसमें हमें वरीयता दी जाए। हमारे मध्य प्रदेश में बाहर के लोगों को प्राथमिकता दे दे करके 2017 की पीएससी में 95% लोग बाहर के हैं सर। और हमारे मध्य प्रदेश के लोग कार्यरत, आज हमारे गुरुजी भी यहीं बैठे होंगे, डॉक्टर अशोक पन्ना जी हमारे गुरुजी भी वहीं खड़े हैं, मैं भी वहीं खड़ा हूँ। बाहर स्टेट में हम कभी जाते हैं तो वहाँ हमें मौका ही नहीं मिलता है, जबकि हमारा खुद 4 किताबें प्रकाशित हैं, 13 पेपर इंटरनेशनल हमारे प्रकाशित हैं। मैं तो कई आयोग हूँ और एक्सीलेंस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और आज ये है कि 6 महीने से सेवा से बाहर। ये शासन की शोषणकारी नीति जो है गलत है और मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अति शीघ्र प्रथम स्थान जो हमने भरा है वो हमारी चॉइस फिलिंग अधिकारियों से बात करते हैं, टाल दिया जाता है, गुमराह कर दिया जाता है और आज तक सूची जारी नहीं की गई। हमारे मीडिया बंधु, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी को यही बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप अतिथि विद्वान का कल्याण कीजिए। आपने ही कहा था कि उनके बच्चों की हाय ले डूबेगी कांग्रेस सरकार को, तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा कल्याण नहीं किया, हमारे वर्ग का कल्याण नहीं किया, तो ये बिल्कुल पक्का है कि हमारे बच्चों की भी हाय आपकी सरकार को ले डूबेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार और भी उदाहरण, हिमाचल चलाने में क्या दिक्कतें जा रही है, घर चलाने में दिक्कतें हैं जी। क्या दिक्कत है? जैसे आज हम लोग को जो अभी हम लोग सर्विस कर रहे हैं, लेकिन
ये भरोसा नहीं है कि यदि आज एक ट्रांसफर लिस्ट आ जाती है तो हम जो है सड़कों पर है, हमारे पास रोजगार नहीं है। तो निश्चित ही हर जो हमारे जो परिवार वाले हैं, जो बच्चे हैं, जो है डिपेंड है, कई कई जो है जो पुरुष वर्ग है वो तो पूरी तरह से उनका जो परिवार है उन पर डिपेंड है। तो निश्चित है, जैसे कि विक्टोरिया जी ने बताया आपको कि कई बार उनके मैसेज डलते हैं ग्रुप में कि मुझे जो है आप लोग कुछ सहायता करें, कुछ पैसे दें। तो ये मतलब एक जो उच्च शिक्षित जो वर्ग है वो पूरी तरह से दोनों ही सरकार में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही सरकारों में पूरी तरह से उसका जैसे बात 23 का चुनाव होना है, उसमें 23 के चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा सरकार के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा सर। क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई अतिथि विद्वान द्वारा, ये क्यों रखी गई, उसका क्या उद्देश्य, क्या मांगे आप लोगों? सर हम लोग वर्षों से प्राचार्य द्वारा जो निर्देशित जो भी हम लोगों को दायित्व दिए जाते हैं उनका हम निर्वहन करते हैं, वार्षिक कैलेंडर पूरा करते हैं, बावजूद उसके भी हमारे साथ में हमारी जो मांगे हैं आज तक पूरी नहीं की। इस सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया और जो लाडली बहना योजना ये चला रहे हैं, हम महिलाएं भी इस प्रदेश में जन्मी हैं, यहाँ पर शिक्षित, इसी प्रदेश की शिक्षित हैं, सारी उम्र हमने यहाँ पर बिताई, बावजूद उसके भी आज हमारे साथ हमारा परित्याग क्यों किया है? और हमारी बहनों ने केशों का त्याग किया, क्यों करता है कोई अपने केशों का, क्यों अपने बालों का त्याग करना पड़ता है? कभी हमारी भावनाओं को समझने का प्रयास किया? आखिर हमारे अंदर क्या वेदना है जिनके कारण हम अपने बालों का त्याग कर रहे हैं? कौन भाई बर्दाश्त करेगा कि हमारी बहनें जो है अपने बालों का त्याग करें? कभी हमको समझने का प्रयास किया हमारे प्रदेश के मुखिया ने? आज हमारे यही व्यथा है कि क्यों नहीं समझते हमें, क्यों नहीं हमें अपना बनाते, क्यों नहीं हम अपनी बहन स्वीकार करते, इस घर की महिलाओं को बहन कहते, हमें क्यों नहीं? क्या हमारा क्या गुनाह है? क्या हम इस प्रदेश में जन्मे हैं, यही हमारा गुनाह है? क्या हमने यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ली? आप बरसों से हम इस प्रदेश में अपने हायर एजुकेशन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यह हमारा गुनाह है? क्यों नहीं समझते? अगर हमारे साथ हमारे प्रदेश के मुखिया ने हमारी बात नहीं मानी, 15 महीने की सरकार ने हमारे लिए नियमितीकरण की नीति बनाई, जीतू पटवारी की सरकार ने, कि कार्यरत अतिथि विद्वान जो योग्यता रखते हैं UGC के नॉर्म्स पूरा करते हैं उनको नियमित किया जाए, जो नॉर्म्स पूरा नहीं करते हैं उनको संविदा पर रखते हुए उनकी उनको समय दिया जाए अपनी योग्यता पूरा करने के लिए, और PSC पास जो PSC पास हैं उनको नियमित किया जाए। लेकिन हमारी एक भी मांग इस सरकार, ये जो 18 साल की सरकार है, इसने हमारे बारे में एक बार भी एक लाइन नहीं लिखी हमारे हित में। हमारी यही मांग है कि हमें उन मुद्दों को लेकर, उन जो बिंदुओं को लेकर तत्काल हमें नियमित किया जाए, PSC पास या जो हमारे योग UGC नॉर्म्स पूरा करते हैं उन अतिथि विद्वानों को तत्काल नियमित किया जाए, जो योग्यता नहीं रखते हैं उनको समय देते हुए, उनको संविदा पर रखते हुए उनको व्यवस्था में लिया जाए, जो फॉरन आउट अतिथि विद्वान हैं उनको इस व्यवस्था में लिया जाए, ताकि वो जो आज उनके परिवार जो हैं आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, इस व्यथा को कौन समझ रहा है? जो आज आपने फॉरन आउट कर दिया वो बेचारे अपने परिवार का लालन पालन कैसे करें, उनके बच्चों को कैसे पालें? कभी इस व्यथा को समझने का प्रयास किया है हमारे मुखिया ने? यही हमारी वेदना, यही हमारा दुख है। अगर इस सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, अब हम भोपाल की सड़कों पर ईंट से ईंट गिरा देंगे, वहाँ पर जो हो हमारा हो। नहीं, अब 23 के चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हम अपने अपने बच्चों को लेकर, हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको लेकर हम सड़कों पर उतरे। नहीं तो जी, अगर 23 के चुनाव में क्या इस बार वोट करेंगी आप भाजपा के लिए? हम सोचेंगे यदि हमारे लिए उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया तो हम बिल्कुल पूरे बच्चों को भी अपने बोलेंगे कि ये जब तुम्हारे गुरुओं की ये हालत है तो तुम्हारे संग में क्या, जब तुम्हारे गुरुओं का भविष्य संरक्षित नहीं है तो आपका भी भविष्य यही है, आप भी सड़कों पर ऐसा ही भीख मांगोगे जिस प्रकार हमको इन्होंने दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। हम उच्च शिक्षित, हम इस प्रदेश में जन्मे और इस प्रदेश के लोगों के सामने ये व्यवहार, और हम वोटर हैं और नौकरी किसी और को दे रहे हैं, दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, इस प्रदेश के लोगों को आपने हमको भीख मांगने के लिए छोड़ दिया है, ऐसा कैसा मुखिया है? क्यों हमारी वेदना नहीं सुनते?